होंगे, तो आप ये प्लीज इनकी जगह दी है ताकि ये आराम से बैठे हो, फिर भी और करेंगे उसको एक मिनट क्यों। तो ये देखिए आपको सारा नजर आ रहा होगा मैंने कितनी ये सफाई की है, और ये देखो आप क्या मुझसे ये सारे इधर ये जो निकल गया इधर इनके केज पे तो नहीं धूप होती, इनके तो फिर भी सुकून होता है, लेकिन मैं फिर भी सुंदर कर देती हूँ ताकि ना परिंदे सुकून से रह रहे। हेलो किजन, आज आपको कैसे जगह याद आ गई घुमानी है ना किजन, आपको तो वैसे पानी की जरूरत नहीं है ना। ये देखो किजन, और एक किजन ने मेरे गैलरी में अपना बंगला बनाया हुआ, मान पता है कौन सा किजन है वो, ये इधर वाइट वाला है, पानी नहीं आ जा रहा है, शायद छोटी आ गई इधर आगे आगे नहा रहा हूँ आगे पानी नहीं आ रहा। ये देखो छोटा सा जो हमने आपको वीडियो में दिखाया था, ये कैसा देखना है इसका, ये देखिए जरा अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इसके जो एग इसने दिया है देखें इसके ऊपर कैसे कैसे डॉट बने हुए हैं, कैसे डिजाइनिंग वाला है। अच्छा इसके जो एग्स होते हैं इसके अलग ही इसकी पहचान होती है कि जल कुकर का है, जो बटेरे होते हैं उनके बिल्कुल वाइट और गोल छोटे छोटे से होते हैं, मुर्गी का भी तो वाइट ही होता है ना, ब्लैक होता है। ये तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गया है, तो ये मैं त्रिकोण के नीचे ले आई हूँ, वो देखो वो निकल गया, हाँ ये तो इसमें से तो पानी से निकल रहे हैं, वो देखो वो कह रहे हैं चकोर मुझे कह रहे हैं कि जगह कितनी कम हम ये जा रहे हैं, वाह भाई चकोर, और मैं इनको इसलिए जिंदर किया, ये देखो मेरी डर क्यों थी बच्चियों की, ये नहाएंगी कोई पानी का, हाँ डाल दो कोई पानी का, पानी कोई पानी में एंजॉय करना करेंगे, ये जरूर एंजॉय करेंगी, ये देखो ये पता सारी शौक है देखो। ये देखो मेरा पिजन, इसके अंदर इसने घोंसला बनाया हुआ है ये सारा इकट्ठा करके, और ये दो अंडे दिए हुए हैं इसने, और अंडे किधर है और खुद किधर बैठा हुआ है ये ले, ये इस अब मारना नहीं, एक मिनट मुझे अंडे चेक करने दो किधर है, हैं मारते भी हो आगे से, ये देखो, और ये इसके साथ ही मिला के हम ना जल कुकड़ का भी अंडा इसके नीचे रख देते हैं, इसके साथ मिला के हम है ना ये जल कुकर का भी अंडा रख देते हैं, शायद ये बच्चा निकाले, क्योंकि पहले हमने जब गाँव से मैं लेकर आई थी ना तो तब मैंने कबूतर के नीचे ही रखा था, तो वो जल कुकर के बच्चे निकल आए थे, तो जल कुकर ने तो फिर पहले ही ये दिया है अंडा, तो और पता नहीं ये कब देगी और बैठती भी या नहीं, तो इसके नीचे हम रख देते हैं। ये कबूतर कबूतर ये बहुत मेहरबानी होगी, मारो तो ना एक मिनट, कैसी पागल है कैसे काटती है इस निकाल इसको एक मिनट, ये तीन अंडे रखे हैं, और ईमानदारी से ना हेरा फेरी नहीं करनी ठीक है कबूतरी, ये जल कुकड़ का जैसे पहले तुमने बच्चा निकाला था ना ऐसे में निकाल के देना ठीक है, इधर लाओ इधर लाना, हाँ मारने की तो बाद की बात है, पहले मेरी बात छू लो, काटना नहीं मेरी बात छू लो, जैसे आपने पहले सर्दियों में जल कुकड़ का बच्चा निकाला था ना, अब फिर बच्चा निकाल के देना ठीक है, आप बहुत अच्छी हो, ये ले काट लो काट काट अच्छी तरह काट, अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर दो, काट काट और काट, वाह बोलो चल जाओ अंदर भाग जाओ, हाँ अब चक्कर लगा इसके इसके पता नहीं कितने चक्कर काटे, ये फिर बैठेगी अभी सोच रही है कि ये अंडा कहाँ से आ गया ब्लैक वाला, गिनती कर ले पढ़ी लिखी मेरी कबूतरी है, अकाउंटिंग कर ले कितने हैं फिर भी उनसे हटके बैठेगी पाप। तो ये देखें ये हमारी ना सिल्वर स्प्राइट मुर्गी है,
इसके साथ का मुर्गा भी था, ठीक है, ये पूरा जोड़ा था मेरे पास। तो वो मुर्गा ना जो वो सर्दियों में मर गया, उसकी समझ नहीं आई उस बेचारे को क्या बना। तब ये बेचारी अकेली है, एक घर का साथी हो ना साथ वाला परिंदे तो आराम से रहते हैं, यानी कि किसी का डर नहीं होता। ये बेचारी अकेली ऐसे डरती रहती है एक एक परिंदे से। डरती भी है, किसके साथ डरती है? नहीं ये बहुत अच्छी है, इसके साथ पर मैं मुर्गा लेकर आऊंगी, फिर ये अंडे देगी ना, इसके बच्चे निकलवाएंगे छोटे छोटे से, है ना। ये पूरे साल में सिर्फ 50 अंडे देती हैं, ये इनकी खासियत है। सारी मुर्गियों में से कम नस्ल अंडा देने वाली ये है। चलो ये पिजन के साथ दोस्ती कर लो, इसके साथ कर लिया तो फिर अच्छा जी। अब हम ये अपने उससे हवेली से ये तोड़ कर लाए हैं कद्दू को, तो ये ना हम डेली अपने तुर्कियों को इसको करके देते हैं कद्दू। तो ये तुर्की हमारे ना जो ये सुबह भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं, ये ठंडे होते हैं और वो मज़े से खाते हैं तुर्की। बाकी दूसरे परिंदे भी खा लेते हैं लेकिन इतना शौक से नहीं खाते, वो ज़्यादा खाते हैं। मम्मा जी जी, जी। आपने कहा था वो चीज़ कहाँ गया? हाँ वो द्वार प्रार्थना को, वो मैंने असल में पता क्या बात है, इधर ये जो कमरा है ना इसके अंदर मैंने ना चुनाते हैं, हम उनको देख लेते हैं। ये लो ये खा लो, इसके अंदर खाना नीचे नहीं गिराना, ठीक है। एक वो वाला ये तुर्की है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा डॉन सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ी सी मेडिसिन दे देती हूँ, पहले से ही दी अच्छी होती है ताकि बेहतर हो जाए। ये क्या है? ये देखें, ये मैंने रैबिट पकड़ कर ना इस केज के अंदर डाले हैं ताकि ये ना दाना खा ले, चारा खा ले। ये जो असील मुर्गी के बच्चे हैं ना, ये बहुत ये आके पंजों के साथ फैला देते हैं, इनको खाने नहीं देते। और इसको मैं कितनी बतवा इसके अंदर डाल चुकी हूँ और ये साइडों से निकल जाता है, ये कितना प्लीज है। पानी पीना है, पानी पता नहीं ये मुझे समझ नहीं आती ये पानी किस टाइम पीते हैं, मैंने देखा नहीं इनको पानी पीते हुए कैसे पीते हैं, डरते हैं पानी से वो। अच्छा अच्छा नहीं पिलाती पानी, चल जाते डूब जाए, चल फिर मम्मा पापा के पास जाए। अब ये चारा मैंने डाल के दिया है, ये खा लेना, ठीक है। अब चलो आगे होकर काम चलेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर याद से किया करें, और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।